हे गाइस, आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं आप लोग शॉपसी एप्लीकेशन में कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए कि 2023 के अंदर काफ़ी लोगों का प्रोडक्ट शॉपसी एप्लीकेशन में कैश ऑन डिलीवरी नहीं हो रहा है, तो कैसे आप कैश ऑन डिलीवरी करेंगे। जी हाँ, कोई भी परेशानी हो रही है कैश ऑन डिलीवरी करने में, तो आप इस वीडियो को देख कर आप सोल्व कर सकते। सो गाइस, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक इस चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर दे, ताकि मैं इस टाइप का जब भी वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फ़ोन पे मिलेगा सबसे पहले वीडियो को देखने के लिए। चलिए गाइस, हम वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, शॉपसी एप्लीकेशन से जो भी आपको प्रोडक्ट बाय करना है यानी परचेज करना है, खरीदने हैं, सिंपल उस प्रोडक्ट को आपको सर्च करके मंगा लेना है। अदरवाइज आप इसमें देख सकते हो कोई भी प्रोडक्ट है उस पर आपको प्रेस करना होगा। चलिए मान लीजिए कि मुझे कोई भी यहाँ से प्रोडक्ट बाय करना होगा, चलिए सिंपल हम उस पर प्रेस करेंगे। चलिए मान लीजिए कि मुझे बाय करना है माइक, तो मैं इसमें माइक सर्च करूंगा, जैसे कि बोया वगैरह का माइक इसमें सर्च करना होगा। चलिए माइक लिखेंगे हम, और लिखने के बाद देख सकते हो यहाँ पे माइक आ गया है। चलिए एक माइक को हम यहाँ से क्लिक कर लेते हैं, और जब भी क्लिक करेंगे देख सकते हो यहाँ पे वो प्रोडक्ट आ गया है, वो माइक आ चुका है। मान लीजिए मुझे 172 रुपये का माइक है, इसे ऑर्डर करने हैं, और क्या करना होगा आपको, सिंपल उसी पे प्रेस करने होंगे। चलिए हम इस पे प्रेस करते हैं। गाइस, इस पे हम प्रेस किए, जब भी हम प्रेस किए तो आपको दिखा देते हैं गाइस यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल है कि नहीं। देख सकते हो यहाँ पे बताया जा रहा है कि कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल है। चलिए हम इसको बाय करके देखते हैं, क्या उस समय एक कैश ऑन डिलीवरी जहाँ पेमेंट गेटवे सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है वहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी एक काम कर रहा है कि नहीं। चलिए कंटिन्यू पे हम प्रेस करेंगे। जब भी प्रेस करेंगे आपको इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है, ताकि आपको इसमें बहुत सीख मिलने वाला है। चलिए यहाँ से पेमेंट गेटवे का ऑप्शन आ चुका है, देख सकते हो यहाँ से कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन है, इस पर हम प्रेस किए देख सकते हो कैश ऑन डिलीवरी हो रहा है। चलिए हम यहाँ से आते हैं बैक, और भी प्रोडक्ट ले लेते हैं, आपको प्रूफ करके हम दिखाएंगे। चलिए इसके अलावा दूसरा प्रोडक्ट भी हम ले लेते हैं। चलिए शूज है, शूज हम प्रेस किए और देखते हैं इसमें कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल है कि नहीं। चलिए इस पर हम प्रेस करते हैं, और जब भी प्रेस करेंगे तो आपको इस तरह से चेक कर लेना है किस किस प्रोडक्ट में कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल है, उसी प्रोडक्ट को आप ऑर्डर कर सकते हैं, अदरवाइज छोड़ भी सकते हैं। चलिए आपको दिखाते हैं। मान लीजिए कि कोई आपका फेवरेट प्रोडक्ट है, उसमें कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन नहीं आ रहा, तो कैसे आप उस प्रोडक्ट को ऑर्डर कर पाएंगे। चलिए यहाँ से देखिए कंटिन्यू पर हम प्रेस करेंगे। जब भी प्रेस करेंगे तो आपके सामने यहाँ से पेमेंट का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर हम अपने एड्रेस को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ से पेमेंट का ऑप्शन पर हम प्रेस करेंगे, और देख सकते हो यहाँ पे इसमें भी कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन अवेलेबल है। अब आपको यहाँ पे समझने की बात, देखिए आपको बताते हैं जो प्रोडक्ट में कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल नहीं है तो इसका रीजन एक ही हो सकता है। मान लीजिए कि काफ़ी लोग यहाँ से आते हैं शॉपसी एप्लीकेशन में या फ्लिपकार्ट में, केवल ऑर्डर कर देते हैं कैश ऑन डिलीवरी में, नहीं तो वो पेमेंट करते हैं। ऑनलाइन में तो पेमेंट करना पड़ता है, लेकिन कैश ऑन डिलीवरी में उनको पेमेंट नहीं करना होता है। इस वजह से बहुत सारे ऑर्डर कर देते हैं, और जब ऑर्डर शिफ्ट हो जाता है और उनके घर तक आता है तो वो लोग प्रोडक्ट रिसीव नहीं करते हैं, और बता देते हैं मैं गलती से ऑर्डर हो गया है, बाय मिस्टेक ऑर्डर हो गया है, प्लीज़ इसे कैंसिल कर दीजिए, या वो लोग बहाना बना लेते, या अपने वो लोग मोबाइल नंबर को ही बंद कर लेते हैं ताकि उनके पास डिलीवरी बॉय कॉल ना करे। इसी रीज़न से देखिए किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट बाय करते हैं तो पैकेज कराने में और शिप कराने में और आपके घर तक आने में उसमें बहुत सारी खर्चा होती है। तो मान लीजिए कि कोई भी कंपनी का आप प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं और कैंसिल करते हैं तो उसमें कंपनी का लॉस, लेकिन इससे एक ही रीज़न हो सकता है कि फ्यूचर में आप शॉपसी या किसी भी एप्लीकेशन से इस तरह का काम करेंगे तो आप कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर नहीं कर पाएंगे, या तो आपके अकाउंट का रेटिंग ख़राब होगा। जो भी आप प्रोडक्ट ऑर्डर करेंगे कैश ऑन डिलीवरी में तो ऑटोमेटिक वो आपका प्रोडक्ट कैंसिल हो जाएगा और आपके एड्रेस पे नहीं पहुंचेगा, मेरा ये 100% गारंटी है, क्योंकि हमने भी काफ़ी यहां से प्रोडक्ट, क्योंकि आप लोगों को बताने के लिए ऑर्डर करना होता है और कैंसिल करना होता है कि ऑर्डर कैसे करें कैश ऑन डिलीवरी में, इस पर बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, तो उस रीज़न के कारण हम भी बहुत सारा प्रोडक्ट कैंसिल किए हैं। तो मेरा कितने ऑर्डर कैंसिल हो चुका है यहाँ से आपको प्रूफ भी बताएंगे। हाल ही में एक हमने ऑर्डर किए थे, वो हमारा ऑर्डर ही कैंसिल कर दिया गया, ऑटोमेटिक शिफ्ट होकर भी ऑर्डर कैंसिल हो गया। तो इन्हीं सब रीज़न से मान लीजिए कि अगर किसी भी कंपनी से आप प्रोडक्ट बाय करना चाहते हैं किसी भी एप्लीकेशन से, जैसे कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, शॉपसी और मीशो,
तो आपका ऑर्डर आपके एड्रेस पे नहीं पहुंचेगा अगर बार बार किसी भी एप्लीकेशन का ऑर्डर आप कैंसिल करते हैं। तो गाइस देख सकते हो ये ऑर्डर जो आने वाला था 6 मई को, ये ऑर्डर हमारा ऑटोमेटिक कैंसिल हो गया है। देखिए ये ऑर्डर हमारा ऑटोमेटिक कैंसिल हो क्योंकि हमने इस अकाउंट से बहुत सारे ऑर्डर को कैंसिल किए थे, इस रीजन से हमारा ऑर्डर ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाता है। मेरे अकाउंट का रेटिंग खराब हो गया है। अगर आपके भी अकाउंट का ऑर्डर कैंसिल हो जा रहा है तो मान लीजिए कि आपने बहुत इसमें ऑर्डर कैंसिल किए हैं, इसी वजह से आपका ऑटोमेटिक ऑर्डर कैंसिल हो जा रहा है, या तो आपके अकाउंट का रेटिंग खराब हो गया होगा, इसी वजह से आपका प्रोडक्ट आपके एड्रेस में नहीं पहुंच रहा है। आपके फ्लिपकार्ट अकाउंट या शॉपसी अकाउंट में कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन नहीं आ रहा है इसी रीजन से। तो आप लोग किसी भी एप्लीकेशन में ऑर्डर आइए कीजिए, लेकिन आप कैंसिल मत कीजिए। मान लीजिए कि आपको नहीं लेना है तो इसमें ऑर्डर ही मत कीजिए, और ऑर्डर करना चाहते हैं तो प्रोडक्ट को रिसीव कीजिए और यूज करके देखिए, आपको पसंद ना आए तो रिटर्न, और जब भी आप ऑर्डर करें तो रिटर्न पॉलिसी देख लें, नहीं तो शॉपसी से आप ऑर्डर करके मंगवा लेंगे घर, रिटर्न पॉलिसी नहीं होगा तो आप कहेंगे कि हमारा शॉपसी में ऑर्डर रिटर्न ही नहीं हो रहा है। देखिए मान लीजिए रिटर्न पॉलिसी आपको कैसे चेक करना है, जो भी मान लीजिए प्रोडक्ट है इस पर आपको प्रेस करना है, और प्रेस करने के बाद सिंपल इस प्रोडक्ट पे एक बार फिर से क्लिक करना है। जब भी आप प्रेस करेंगे तो आपके सामने प्रोडक्ट के नीचे यहाँ पे रिटर्न पॉलिसी दिखाया है, देख सकते हैं इसमें सिंपल लिखा हुआ है नो रिटर्न, यहाँ पे लिखा हुआ है देख सकते हो। आप यहाँ से ये प्रोडक्ट अगर ख़रीदते हैं तो इसमें रिटर्न का पॉलिसी अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए आप जब भी ऑर्डर करें तो ये सारी चीज़ शॉपसी या किसी भी एप्लीकेशन में देखकर उसके बाद ही ऑर्डर कर। किसी भी एप्लीकेशन से आपको प्रॉब्लम आ रही है तो उसी एप्लीकेशन के कस्टमर केयर से बात कीजिएगा, इजीली आपका प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आप सबको थोड़ा अच्छा लगा होगा, तो कमेंट करके बताइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।